हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पोटैटो स्माइलीज बनाना बता रही हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने ये 5 आलू लिए मीडियम साइज के। इन्हें मैंने अच्छे से उबाल कर इन्हें ठंडा कर लिया है। इन्हें आपको इस तरह से ग्रेटर लेना है, बारीक वाला लीजिए। बारीक वाले के अंदर ये एकदम अच्छे से पूरे मैश हो जाएंगे। आलू अच्छे से उबले हुए, बिल्कुल भी कच्चापन इनमें नहीं है। इस तरह से आप पूरे आलू को इसी तरह से मैश कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमें ये आलू चाहिए मैश करे हुए, एकदम सॉफ्ट रहेंगे और ये ठंडे हो जाए जब ही आप मैश कीजिए। गरम गरम में मैश मत कीजिए। आलू सारे मैश हो चुके हैं। इसके अंदर मैं 5 काली मिर्ची ली है, इसे मैंने थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है। 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, इसे भी इसमें आप डाल दीजिए। इसे आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा कम ही हाथ से डालना इसमें नमक। मैंने 5 आलू लिए इसलिए इसके अंदर मैं 5 चम्मच सूजी डाल रही हूँ। पहले मैं थोड़ी डाल रही हूँ, 1.5 चम्मच करीब मैंने बचा दिए। इसे हम पहले मिक्स कर लेते हैं। आलू के ऊपर डिपेंड करता है कि आलू में सूजी कितनी डलेगी। अगर आपके आलू ज़्यादा गीले हैं तो आपको सूजी थोड़ी सी ज़्यादा डालना पड़ेगी। इसे आप पूरा इसमें डाल दीजिए, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मुझे अभी भी थोड़ा आलू गीला लग रहा है, मैंने 1 चम्मच सूजी और ली है, इसे भी इसी के साथ में मिक्स कर दीजिए। इस तरह से आपको मसलते हुए करना है ताकि ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। तीन चम्मच ये कॉर्नफ्लोर ले रही हूं मैं, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। इसे मिक्स करते जाइए। देखिए, सूजी हमने पहले डाल दी थी तो आलू जो है हमारा टाइट होने लगा है। इसी तरह से इसे आप मिक्स कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा मिक्स करने से अच्छे से मैश होता जाएगा और पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बाकी का बचा है वो उसे भी मैं डाल रही हूँ। इसे आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आलू पे डिपेंड करेगा कि आलू कितना पानी इसका। आलू अगर ज्यादा गले हुए होंगे तो आप इसे बिल्कुल भी मत बनाइए। थोड़े से आलू को हमें हार्ड रखना है, मतलब फूटना नहीं चाहिए उबालते समय। उसमें पानी की मात्रा कम रहना चाहिए। देखिए, टाइट होने लगा है, बस हमें इतना ही टाइट चाहिए। अच्छे से गूंथ के तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। इसे इस तरह से पूरा फैला के इसे हम इसलिए इसे लगा रहे हैं ताकि बार बार हमारे हाथों पे चिपकेगा नहीं, क्योंकि आलू चिपचिपा रहता है। जितनी बार टच करेंगे उतनी बार हमारे हाथों में चिपकेगा। बस इस तरह से करने से अभी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। बस इस तरह से आप इसे करके इसे हम बेलेंगे। मैंने थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लोर लिया है, इसे आप इस तरह से हाथों को लगा लीजिए। उसके बाद इसका मीडियम साइज किया लोई तोड़ के इसे गोल कर लीजिए। हमने इसमें घी लगा दिया, हमें घी तेल कुछ भी अब लगाने की जरूरत नहीं। बस इस तरह से आपको इसे रोल करना है। इस तरह से आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इस पर भी लगा दीजिए ताकि हमारे बिल्कुल भी चिपके ना। इसे आप अच्छे से कवर कर लीजिए। इसे आपको थोड़ा मोटा ही बेलना है, हमें एकदम इसे पतला नहीं बेलना। आपको लगे कहीं भी चिपक रहा है तो थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर इस पर लगाते जाइए। इसे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इस तरह से आप पाटे को घुमा के या फिर किसी भी चीज के ऊपर बेल सकते हैं। इसे बस मैं इतना ही कर रही हूँ क्योंकि इसे थोड़ा सा मोटा रखना है। जिस प्लेट में रखना है उसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा दिया है। इसे आप इस तरह से कट कर लीजिए। जो साइज आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा मोटा रहेगा तो ही अच्छा लगता है ये। बस इस तरह से आप इसे बना बना के सारे रख लीजिए। मैंने इस तरह सारी कट करके रख ली है। इस तरह से आपको एक लेना है स्ट्रॉ ले रही हूँ मैं, जहाँ पे आपको इसकी आइस बनानी है बस उसी तरीके से इसे थोड़ा सा घुमा दीजिए। देखिए, घुमाने से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आपको छोटे जिससे मैंने कट करा है वही गिलास लिया है, बीचों बीच इसे रखिए, नीचे साइड दबा दीजिए। कट का निशान लग गया है। उसके बाद इसे आप थोड़ा सा इसे खोल दीजिए तो इसका फेस एकदम बढ़िया बनेगा। पूरी स्माइल जो है अच्छे से आ जाएगी। एक और बनाना बता रही हूँ आपको मैं। ये लिया मैंने, इसे इस तरह से
थोड़ा सा निशान बनाना है। ग्लास ले लीजिए और इस पे से नीचे तक दबा दीजिए, थोड़ा सा इसे इस तरह से खींच दीजिए तो इस पूरा फेस जो एकदम बढ़िया कट का जो निशान है एकदम अच्छा आएगा। आप चाहे चम्मच से भी कर सकते हैं। इस तरह से आप सारे बना के तैयार कर लीजिए। देखिए सारे बन के ये तैयार हो चुके हैं। इसे अब मैं फ्रीजर में रख रही हूँ। फ्रीजर में कम से कम इसे आपको 5 घंटे के लिए रखना है। फ्रीजर में रखने के बाद पूरी अच्छे से सेट हो गई। ये देखिए इस तरह से एकदम कड़क कड़क हो गई, एकदम इसके ऊपर आइस जम जाती है। देखिए इस तरह से कड़क आवाज आ रही है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 महीने के लिए। आप कोई भी एयरटाइट डिब्बा ले लीजिए, उसके अंदर जब ये कड़क हो जाए जब ही आपको रखना है। जब हमने बनाई थी जब नरम रहती है उस टाइम पे आपको इसके अंदर नहीं रखना है। बस इस तरह से आप इसमें रख के इसे पूरा पैक कर दीजिए और इसे फ्रीजर में 1 महीने तक रख दीजिए। 1 महीने तक ये अच्छी रहती, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। इसे हम अभी तुरंत फ्राई कर रहे हैं। मैंने गैस पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है। गैस को मैंने मीडियम कर दिया। मीडियम गैस पे ही इसे आपको फ्राई करना है। एक बार में जितने पीस आ सकते हैं बस आप उतने ही डालिए। इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पीस मत डालिए। ये देखिए कितनी अच्छी है, एकदम भारी हो जाती है और एकदम हार्ड हो जाती है। ये देखिए इस तरह से हम इसे हिला रहे तो नहीं होती है, पूरी अच्छे से ये जमना चाहिए। इसे एकदम से हमें नहीं हिलाना है, थोड़ी सी ये फूलने लग जाएगी उसके बाद इसे हम हिलाएंगे। देखिए सारी फूल के ऊपर आ गई। इसे एक बार हम पलट देते हैं। लोगे इस पे एकदम बढ़िया कलर आ चुका है इसका, एकदम अच्छी क्रिस्पी और करारी हो गई है। इसे आप निकाल लीजिए। देखिए एकदम बढ़िया इसका पूरा, इस तरह से आप तेल साइड में करके पूरा निकाल दीजिए। बाकी की भी इसी तरह से इसमें आप तलने के लिए डाल दीजिए। आपको इसे लो गैस में ही तलना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे तलेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, ऊपर से एकदम डार्क रेड कलर की हो जाएगी। सारी मेरी ये बनके तैयार हो चुकी है। आपको मैं पास से दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया इसका शेप आया है। ग्लास से कट करने से जो इसका फेस है वो एकदम बढ़िया कट होता है, पूरा ऊपर तक स्माइली बन जाती है इसमें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।